अच्छा हम देख लेते हैं, भेज देते हैं, दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं कब तक बताइए, हम आपको हम भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहे हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? देखिए कैसे बात करता है। ना ना ना, हम आपको व्हाट्सएप। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गड़बड़ी बात में, लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा है, लोगों को करने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरना के लिए। अच्छा, विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं नहीं विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल में मिलेगा? अच्छा तो नहीं नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा। अभी भी लाठीचार्ज हुआ चली रहा, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गदरी बाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का उन लोगों का जो सामान था वो खा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ही लोग चाहते हैं बैठ कर के, कम से कम जिनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दे। इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा हम देख लेते हैं, भेज देते हैं, हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं कब तक बताइए, हम आपको हम भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहे हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? ना ना ना, हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। नहीं ठीक, नहीं नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे आर के महाजन जो प्रधान सचिव थे उनके द्वारा जब समान दम समान वेतन का मुद्दा हाईलाइट था तो ये दिया गया था कि हम शिक्षकों को बहाल करने वाले हैं, मेरे यहाँ 2 लाख पदरिक्त है, इसलिए हम सबको समान कम समान वेतन नहीं दे सकते हैं, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हम 31 जनवरी 2020 तक हम अपने यहाँ 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं, उसके बाद मेरे यहाँ 76,000 वैकेंसी और आएगी, हम 76,000 सीट पर और टीचर की बहाली करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, हम विडम्बना क्या है, क्या सरकार हम लोग को डर है कि अगर गर्दनी बाग के रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं तो हम लोग पर लाठीचार्ज हॉल के पास अगर जा सकते हैं तो वहाँ भी हम लोग को पीटा जाता है। अभी भी हम लोग बहुत डरे हुए हैं। चलिए वहाँ तक हमारे से निवेदन है, हम लोग को धरना स्थल पर आपके मार्गदर्शन में बैठना है। एक मिनट, या वहाँ जो बच्चे हमारे थे वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको पकड़ करके पीटा जा रहा है। अभी की स्थिति फिलहाल वही है, अभी बहुत लड़का है, सबके पास पैसा नहीं चाहिए, तानाशाही है, तानाशाही है ना। आप अगर चले जाएंगे तो हमको लग रहा है कि हम लोग रोड पे हम लोग को पीटा जा रहा है, कहीं यहाँ से भी ना पीटा जाए, हम लोग कहीं अपराधी को देख के भाग चलता पुलिस, डंडा बरसा रहने वालों को पुलिस कह रहा है काउंटर कर देना था। बिहार पुलिस हम लोग हासस की बात की थी, पीछे से आके हम लोग को मारने लगे थे, ऐसा ही गुलामी का समय भी नहीं था। आप आगे चुनाव में आपको नहीं पता है आदि पर्वत्ता विधानसभा खगड़िया में आता है, वहाँ पूरे गांव में झूठा मुकदमा करके फंसाया जा रहा है।
जो जो आरजेडी को वोट दिया हमारे जितने कार्यकर्ता थे सबको गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा, हमारे वर्करों को जेल भेजा जा रहा। हम लोग तो लड़ रहे हैं, थोड़ा हौसला आप लोग रखिए। मेरा तो जीना दुभर हो गया नालंदा जिला से, कहता कि नालंदा जिला कुर्मी होकर के तुम नीतीश कुमार का विरोध में बोलते हो। डेली मेरे पास दो वो तीन मुख फोन आता भैया, मेरा जीना हराम हो गया। इतना परेशान करता है ना वो, फोन कर करके लगता है कभी कभी सुसाइड कर ऐसे करता है। ऐसा स्थिति है कि जब एक एक बैग लोग बैग लेके पार हो रहे हैं तो जब टारगेट कर करके मारा जा रहा है। अब हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। पटना के पूरे पटना में एक एक हजारों अभ्यर्थी अभी तो इतने यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोग बाहरी का मांग नहीं करेंगे, बाहरी लोग पटना के सड़क अभी एक शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा है, लोगों को करने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरना के लिए। मैंने विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैंने विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन नियंत्रण का। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदला होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल में मिलेगा? अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं ये लोग कब का चाह रहे हैं। आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा आपको जानकारी में होगा, अभी भी लाठीचार्ज हुआ चली रहा, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनीबाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का, उन लोगों का जो सामान था वो खा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ही लोग चाहते हैं बैठ करके, कम से कम जिनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना। इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेज दीजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं, कब तक बताइए, हम आपको हम भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहे हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? ना ना ना, हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। ठीक, नहीं नहीं, हम लोग हैं इको पार्क में ही, जल्दी नहीं तो लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा। परमिशन लेकर के लोग बैठा हुआ था सब लोग, और लोगों को हटाया गया, मैदान में बैठा हुआ हम लोगों का यही था कि हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है, इको पार्क में ही अभी लोग बैठ गए हैं, गर्दनीबाग से भगाया होगा लोग, तो हम भी यही आए हुए बैठे। लोग खाली चाहता है कि गर्दनीबाग बैठ करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो है धरना था। हम डीएम साहब से बात किए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किए, और डीएम साहब को हम इनका ऑर्डर का कॉपी भी भेज रहे हैं, इन लोगों का जो आवेदन है वो भी भेज रहे हैं। तो कम से कम अभी भी सुनने में आ रहा है कि अभी विकलांग लोगों को भी लाठी चार्ज वहाँ किया गया है, तो हम चाह रहे हैं, नहीं तो ये लोग बोल रहा है कि हमको भी बैठे नहीं है इको पार्क, तो दिक्कत हो जाएगा, सब लोग यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, तो उनको कम से कम वहीं, हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आप लोग जगह जो सेलेक्ट किए हुए हैं धरना स्थल का वहीं लोग चला जाए। हाँ, तो वही शांतिपूर्ण, तो हम लोग फिर लेकर के छोड़ देंगे ना इन लोगों को। हाँ नहीं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, लोग हैं, महिला बड़ी संख्या में है यहाँ। ठीक ठीक, मुर्गी तो छोड़ा जा रहा है।